काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर सेशन कोर्ट में सलमान खान की जमानत पर जज रविंदर कुमार जोशी सुनवाई कर रहे हैं। सरकारी पक्ष ने सलमान की जमानत का विरोध किया है। शुक्रवार के दिन उन्हें कुछ नहीं कहा। वहीं सलमान के वकील और उनके बॉडीगार्ड शेरा सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को काला हिरन शिकार मामले में गुरुवार के दिन 5 साल की सजा हुई। शुक्रवार के दिन सलमान के वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत की अपील की। जज ने फैसला शनिवार के दिन सुनाने को कहा है, लेकिन शुक्रवार की शाम ही राजस्थान में 87 जजों का तबादला कर दिया गया। शनिवार की सुबह जज देव कुमार खत्री और जमानत पर सुनवाई करने वाले जज रविंद्र कुमार जोशी के बीच बातचीत हुई। इसके बाद रविंद्र कुमार केस की सुनवाई करने कोर्ट में गए। वो दोनों ही पक्षों की बात सुन रहे हैं। बता दें कि देव कुमार खत्री वही जज हैं जिन्होंने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई है। जिन जजों की ट्रांसफर हुई है उनकी फेरहस्त में काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल जेल की सजा देने वाले जज देव कुमार खत्री और जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रविंद्र कुमार जोशी भी शामिल हैं। बता दें कि जज जोशी को जोधपुर से सिरोह में ट्रांसफर किया गया है, जिसकी जगह अब भीलवाड़ा जज चंद्र कुमार सारोंगा लेंगे। उन्होंने शनिवार को कोर्ट ज्वाइन नहीं किया। वहीं जज खत्री की जगह समिंदर सिंह सिलावर हैं, जो उदयपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट थे। जजों के हुए इस तबादले में सलमान की बेल पर देरी भी हो सकती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चंद्र कुमार इस मामले पर फिर से विचार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जज जोशी ने कल यानी शुक्रवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था, इसलिए संभावना इस बात की ज़्यादा थी कि वह आज सलमान खान की जमानत पर फैसला सुना देंगे। बहरहाल अभी तक सलमान की जमानत पर सस्पेंस कायम है। अगर सलमान को आज के दिन जमानत नहीं मिलती तो उन्हें कम से कम 2 दिन और जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। कल रविवार है यानी छुट्टी होगी तो सुनवाई नहीं हो पाएगी, इसलिए आज सलमान और उनके परिवार के लिए ये दिन बेहद अहम है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले।